नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्षा अनुप्रिया पटेल की जनसभा 12 दिसंबर को आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा के इंटर कॉलेज रामनगर कुकरौची के मैदान में होनी है, जहां पर राम लखन पटेल आवास विकास प्राप्त राज्य मंत्री, दर्जा प्राप्त मंत्री व अपना दल एस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पटेल ने सभा स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की गई। बैठक में रणनीति बनाते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि ये अपना दल एस के विजय संकल्प यात्रा की जनसभा है, इंटर कॉलेज रामनगर में 12 दिसंबर को जो होनी है, जिसकी मुख्य अतिथि अनुप्रिया पटेल होंगी। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। 200 विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी सीटों का निर्धारण नहीं हुआ है, जैसे ही सीटों का निर्धारण हो जाएगा हम अपने क्षेत्र के जिताऊ प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे। भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी, सीट कौन मिलेगा ये अभी तय नहीं है, यह दोनों दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय करेंगे। आजमगढ़ मंडल का सगड़ी विधानसभा सबसे मजबूत विधानसभा पार्टी के लिए मानी जा रही है। हम सबकी इस सीट पर गठबंधन में लड़ने की तैयारी में है, सभी कार्यकर्ता जुट जाए। मालती सिंह ने सभा की तैयारी के बारे में जानकारी दी। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्याम विजय पटेल ने किया और संचालन सुजीत पटेल, जिला अध्यक्ष मऊ ने किया। इस दौरान मौके पर सगड़ी विधानसभा के अपना दल नेता मालती सिंह, राकेश सिंह, श्याम विजय पटेल, सुजीत पटेल, बाबूराम यादव, इंद्रेश दुबे, प्रदीप सिंह, सुनील सिंह, रामलखन, चंद्रबली, जसवंत, आमिर, संजय जगन्नाथ आदि लोग साथ बैठक किया। सर, आज आप लोगों का आगमन था, क्या उद्देश्य रहा और इस मैदान पे क्या? हमारी पार्टी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का कार्यक्रम इस मैदान में 12 दिसंबर को है। अभी हम लोग मंडलवार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मंडलवार विजय संकल्प जनसभाएं कर रहे हैं। इसमें शुरुआत हमारी हुई थी बांदा के नरेनी से, इसके बाद बस्ती में हुआ, अयोध्या में हुआ, कुशीनगर में हुआ, 12 तारीख को यहाँ होना है, इसी मैदान में होना है। तो कार्यक्रम की तैयारी, मैदान, ये सब देखने के लिए रास्ता वगैरह सब इसी क्रम में हम लोग आए हैं कि ताकि रैली बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्ण तरीके से, भव्य तरीके से संपन्न हो जाए। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के कैसी तैयारी रहेगी? ये 2022 विधानसभा चुनाव की ही तैयारी है। सगड़ी की क्या स्थिति रहेगी सर? देखिए, सगड़ी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है और आप लोग जानते हैं कि हम लोग गठबंधन में हैं। अभी सीटों की प्रारंभिक तौर पर बातचीत हुई है लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जब फाइनल कर लेगा कि हम लोगों को कौन कौन सीटें मिल रही हैं, उसके बाद फिर आप लोग को सीट भी बता दी जाएगी और प्रत्याशी भी। उम्मीदें होंगी आजमगढ़ के लिए कितनी सीट मिल सकती है सर? उम्मीदें तो हमको ये है कि हम देखें 200 विधानसभा सीटों पर प्रभारी तैनात किए हैं कि संगठन वगैरह सब सही हो जाए। उम्मीद तो हमेशा ज़्यादा ही रहती है लेकिन समझौते में है तो अब कितनी सफलता मिलती है, कितनी नहीं मिलती है, समय बता। पार्टी के लोग बड़ी मजबूती से सगड़ी में लगे हुए हैं, सगड़ी पे कुछ बताएंगे? सगड़ी में मजबूती से लगे हुए हैं और सगड़ी में ही नहीं, हमारी पार्टी के लोग बताए तो कि 200 विधानसभा सीटों पर मजबूती के साथ लगे हुए हैं। लेकिन सीटों का निर्धारण अब राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारी अध्यक्ष जी श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब बैठेंगे तो जब तय हो जाएगा तभी कुछ कहा जा सकता है। सगड़ी में क्या मान के चला जाए? हम सब जगह मान के चल रहे हैं, 200 विधानसभा सीट पर मान के चल रहे हैं कि नहीं हम लड़ेंगे, तैयारी हमारी ऐसी ही है लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उम्मीद तो है, हम वहाँ पर ये जब समझौते के टेबल पर हमारे अध्यक्ष, उनके अध्यक्ष बैठेंगे तो देखा जाएगा कि कौन सीट हम जीतेंगे, कौन सीट वो जीतेंगे, इसी हिसाब से तय हो जाएगा। ओवरऑल उद्देश्य सरकार बनाना है कि सरकार बने उत्तर प्रदेश में, फिर से भारतीय जनता पार्टी अपना दल इस गठबंधन की सरकार बने। और हम लोग 2014 से लगातार गठबंधन में हैं, 2014 लोकसभा,